खबर उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर संदीपन घाट कोतवाली के मोइनुद्दीनपुर गौस स्थित पांडा चौराहे पर झोपड़ी के बाहर सो रहे अनुसूचित जाति के शुशरण उनके पत्नी ब्रजकली व ससुर होरीलाल की शुक्रवार की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साई भीड़ ने फायरिंग करने के साथ ही हमलावरों के साथ घरों में आग लगा दी। हमलावर पच के दो लोग भी जख्मी हुए। बीच बचाव करने पहुंचे अफसरों को भी पीटा गया। छबीलवा गांव निवासी होरीलाल सरोज ने 2 साल पहले अपनी बेटी ब्रजकली की शादी कंकराबाद के शुशरण सरोज से की थी। शुशरण पंडा चौराहे पर किराए की दुकान लेकर सहज जन सेवा केंद्र का संचालन करता था। 3 साल पहले शुशरण ने गांव के लालचंद निर्मल के पट्टे में मिली 10 बीसवा जमीन का एग्रीमेंट अपने नाम करा लिया था। इसी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। एडीजी भानु भास्कर, कमिश्नर विजय विश्वास पंत, एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव दमकल व कई थानों की फोर्स के साथ मौके पहुंचे, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। 2 हमलावर हिरासत में है। हत्याकांड में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुलासे के लिए 4 CO की अगुवाई में 8 टीमों का गठन किया गया। तनाव को देखते हुए गांव में 3 कंपनी पीएसी के साथ ही जोन की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।